अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। देश भर में सीएए यानी नागरिकता संशोधन कानून को लेकर बवाल मचा हुआ है। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक और देश के अलग अलग हिस्सों में तमाम कांग्रेस और दूसरी जो राजनीतिक पार्टियां, समाजवादी पार्टी, सपा या दूसरी जो पार्टियां हैं, वो उसको लेकर हंगामा इसलिए मचा रही हैं। उनकी दलील है कि सीए नागरिकता संशोधन कानून के जरिए मुस्लिम और दलितों की जो नागरिकता वो छिन जाएगी। वहीं मोदी सरकार इस बात का दावा कर रही है कि जो नागरिकता संशोधन कानून है वो सिर्फ इंक्लूजन के लिए है, इसमें किसी की नागरिकता छीनी नहीं जाएगी, सिर्फ नागरिकता देने का कानून है। मेरे साथ इस वक्त हाईकोर्ट के मशहूर लॉयर हैं एडवोकेट विद्या जी, उनसे हम जानना चाहेंगे कि बतौर एक कानूनी एक्सपर्ट सीए को लेकर आपका क्या सोचना है, आप इसे कितना सही कितना गलत मानती, क्या वाकई नागरिकता संशोधन कानून संविधान के खिलाफ है, किसी की नागरिकता छीनने के लिए है, या इस पर जो बवाल मचा है वो सिर्फ एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा है और अपनी रोटी सेकने का तरीका है। तो मैडम आपसे मैं जानना चाहूंगा एक्चुअली सच्चाई क्या है इसकी। जो नागरिकता कानून है वो बहुत दिन से प्रपोज था एंड इसकी ये कानून ये नहीं कहता है कि आप इसमें मेन जो ऑब्जेक्शंस लोगों का है, आई डील विद दैट। मेन ऑब्जेक्शन लोगों का है कि ये जो है संविधान, ये जो कानून है या जो एक्ट है, दिस इज वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 का वायलेशन इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने धर्म के आधार पर लोगों के अंदर डिफ्रेंशिएट किया है। मतलब कहने का मतलब आप मुसलमानों को यहाँ पे नागरिकता नहीं दे रहे हैं, हालांकि आप हिंदुओं को, पारसियों को, जैन को, बौद्ध को, सभी को नागरिकता दे रहे हैं। सो उनका ऑब्जेक्शन इस पे है कि ठीक है आप उनको दीजिए बट मुसलमानों को भी दीजिए। सो मेन ऑब्जेक्शन इज दिस। तो मेरा यहाँ पे ये कहना है कि मेरे हिसाब से इसमें कोई कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 14 का वायलेशन नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 14 कहता जरूर है कि सब इक्वालिटी होनी चाहिए, बट इक्वल उसमें और भी चीजें हैं, उसमें इक्वालिटी अमंग्स इक्वल होनी चाहिए। सपोज मैं एक छोटा सा एग्जांपल देके समझाती हूँ लेमेंस लैंग्वेज में। अगर दो हिंदू हैं और दोनों हिंदू वहां प्रताड़ित हैं, उसमें से एक हिंदू को आप नागरिकता देते हैं और दूसरे को नहीं देते हैं, तो इक्वालिटी का वायलेशन हुआ। लेकिन अगर एक उसमें से हिंदू है या क्रिश्चियन है या सिख है, जिसको रिलीजियस, जिसका रिलीजियस पर्सिक्यूशन हुआ है, उसको आप नागरिकता दे रहे हैं, और दूसरा मुसलमान है जिसके साथ रिलीजियस पर्सिक्यूशन नहीं हुआ है, उसको आप नहीं दे रहे हैं, तो यहाँ राइट टू इक्वालिटी नहीं आती है। क्योंकि इक्वालिटी हमेशा इक्वल लोगों में होती है। फॉर एग्जाम्पल सपोज अगर राइट टू इक्वालिटी को इसके लिटरल सेंस में लिया जाए, तो फिर आदमी और औरत एक ही हो गए, तो फिर वुमन के लिए स्पेशल लॉ क्यों, फिर रिजर्वेशन क्यों, फिर माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट्स क्यों? तो इसका मतलब है कि आर्टिकल 14 में एक्सेप्शन है, मतलब इस बात की संभावना है कि अगर औरत है जिसको मैटरनिटी, अगर लेडी है उसी को तो आप मैटरनिटी बेनिफिट देंगे ना, तो आदमी को तो आप नहीं देंगे। तो यहाँ पे तो कानून दोनों को अलग, तो आप बोल सकते हैं क्या कि देखिए औरत को दिया मुझे नहीं दिया। सो मैं एक लेमैन लैंग्वेज समझा रही हूँ, इक्वालिटी अमंग्स इक्वल होता है प्लस रीजनेबल क्लासिफिकेशन होता है कि भाई आप क्लासिफाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपने क्लासिफाई किया है कि हम उन लोगों को नागरिकता देंगे जिनको जिनका रिलीजियस पर्सिक्यूशन हुआ है, इसलिए आपने उनको दी और इनको नहीं दी। सेकेंड पॉइंट, यहाँ लोग कंफ्यूज है कि मुसलमानों को नागरिकता मिलेगी ही नहीं, दिस इज रॉन्ग। मुसलमान को भी नागरिकता मिलेगी, बट क्राइटेरिया उसको मिलने का रिलीजियस पर्सिक्यूशन नहीं होगा, कोई पर्सनल रीजन हो सकता है। सपोज अदनान सानी है, उनको वो मुसलमान है पर उनको नागरिकता मिली है, क्यों मिली है? क्योंकि उनके कुछ पर्सनल रीजन थे, मैं उसमें नहीं जाऊंगी, तो उनको मिल गई, तो कोई बार नहीं है। बट हिंदूज एंड अदर सेक्शंस विल गेट दिस बेनिफिट ऑफ दिस एक्ट बिकॉज ऑफ द रिलीजियस पर्सिक्यूशन के क्राइटेरिया, रीजनेबल उस क्लासिफिकेशन में ये आते हैं। दिस इज द पॉइंट। मतलब सीधा है कि कहीं ना कहीं जो ये कानून को लेकर जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है वो गलत है और वो नागरिकता छीनने का कानून नहीं है। नहीं, और दूसरा उसमें एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भाई जो वहां से वहां के लोग हैं, भूटान के लोग हैं, उनको क्यों नहीं, यहाँ के लोग हैं उनको क्यों नहीं? तो उसका आंसर ये है कि ये गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है और एक इलेक्टेड डेमोक्रेटिकली चुनी हुई पार्टी ने दो सभाओं से पास करा के कोई कानून बनाया और ये उनकी पॉलिसी थी कि भाई अभी हम इनको देंगे तो आप
पॉलिसी डिसीजन में इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। और सेकेंडली चलो मैं सोचूं भी तो बर्मा के साथ या भूटान के साथ हमारा वो हमारे पार्ट कभी नहीं थे, नहीं थे बिल्कुल, वो इंडिया के पार्ट नहीं थे, नहीं थे ना ही उनके साथ कभी नेहरू लियाकत पैक्ट हुआ था कि भाई आप हमारे माइनॉरिटीज को प्रोटेक्शन देंगे और हम आपके देंगे, करेक्ट। तो उनको और इनको अगेन आप इक्वेट कर रहे हैं, सो यहाँ पे भी वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14 नहीं है, सो दिस इज टोटली कॉन्स्टिट्यूशनल एंड इट कैन डेफिनेटली बी इम्प्लीमेंटेड। मैडम बहुत बहुत थैंक यू आपका, आपने इस गंभीर विषय पर अपनी बात रखी और नागरिकता संशोधन कानून के बारे में लोगों को जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगली बार हम फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ और चर्चा करेंगे फेस टू फेस।